ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दैट इज ऑलवेज आस्ट टू मी सर हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंटली बोलना कैसे है ठीक है तो सबसे पहले तो आप है ना यहां पर ध्यान दो जो वर्ड कॉन्फिडेंटली आया ना ये एक एडवर्ब है और यह बनाया कॉन्फिडेंट से तो अगर आपको होना है कॉन्फिडेंट इफ यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू स्पीक कॉन्फिडेंटली तो एक सिंपल सा वर्क है जिस पर आपको काम करना है कि आपको गेन करना होगा नाउन कॉन्फिडेंस ठीक है अब ये कहां से आता है तो ये आता है एक ही सोर्स से दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस ठीक है ये कॉन्फिडेंस का संबंध प्रैक्टिस से है इसी से आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न दैट्स द कॉन्सेप्ट अब हमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है तो कैसे प्रैक्टिस को और अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो आप टेन मिनट्स का एक सेशन कौन सा करना है वो आप समझ लो आपको दस मिनट रेगुलरली एस की प्रैक्टिस करनी है एस एम पी समझते हो एस एम पी मीन्स सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस आपके ब्रेन के अंदर जो भी डाटा है इट इज़ इन योर नेटिव लैंग्वेज नाउ वी हैव टू लर्न टू ट्रांसलेटेड इं टू इंग्लिश आपके दिमाग में जो भी है वट एवर कम्स इन योर माइंड वो कौन है हुई जी उसे बुलाओ कॉल हिम मैंने उसे जानता आई डोंट नो हिम क्या आप तैयार है बोलने के लिए आर यू रेडी टू स्पीक क्या ये आपका है इज दिस यूर्स क्या आप मुझे जानते हो डू यू नो मी क्या आप वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ कैन यू डू एवरीथिंग वट आई कैन मुझे लगता है आप कर सकते हैं आई थिंक आई कॉन्ट डू दिस आपको कोशिश करनी चाहिए आप जरूर कर सकते हैं यू शुड ट्राई इट आई एम श्योर यू कैन डू इट आप जरूर कर सकते हैं मतलब आप श्योर हैं आप ये कर सकते हैं तो इस तरीके से आपके दिमाग में जो भी डाटा आता है उस पर्टिकुलर सेंटेंस मेकिंग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इसी एस एम पी पर आपको याद हो तो मैंने एक मेडिटेशन टेक्निक आपको बताई थी आप में से जिन लोगों को मेडिटेशन टेक्निक नहीं पता है लेट मी टेल यू ये टेक्निक को समझो ये क्या होती है इन मेडिटेशन टेक्निक वी हैव टू क्लोज अव आइज एंड बाई क्लोजिंग अवर आईज सिम्पली वी हैव टू स्पी द थिंग्स दट कम्स इन अवर माइंड जो जो आपके दिमाग में आता है जैसे आपने कहा मैं तैयार हूँ आएम रेडी मैं तुम्हें जानता हूँ आई नो यू तुम मुझे जानते हो यू नो मी मेरे पापा आज घर पर है माई फादर इज एट द होम वे आज ऑफिस नहीं जाएंगे ही विल नॉट गो डू ऑफिस टुडे वो आज घर पर रहेंगे ही विल स्टेटे एट होम उन्हें घर पर कुछ काम है ही हैज़ सम वर्क एट द होम आज मुझे दिन भर पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि पापा घर पर रहेंगे टुडे आई विल हैव टू स्टडी लॉन्ग डे बिकॉज माई फादर विल स्टेट होम तो आपके दिमाग में जो जो डाटा आ रहा है जो जो चीजें आ रही हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस मेकिंग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखो और जहां आप ये सीख गए जहां आपको डेटा समझ में आ गया सेंटेंस मेकिंग आपको क्लियर हो गया आपको हिंदी टू इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलते आ गया यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी तो जितनी भी चीजें हैं मैं चाहूंगा कि आप है ना सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा करो आप सेशन अगर अटेंड कर रहे हो पुराने सेशंस देख रहे हो तो पुराने सेशंस में भी आपने देखा होगा कि दस 10 मिनट का मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ 10 मिनट 15 मिनट्स की मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ दूसरे जो टीचर्स हैं अगर आप हमारे प्रीमियम सेशन अटेंड कर रहे हो तो उसमें भी देखना टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के टीचर आपको जो है प्रैक्टिस करवाते ही है सो वाई डू वी फोकस ऑन प्रैक्टिस बिकॉज देर इज अ सिंपल पर्पज वो पर्पज ये कहता है कि भाई आपके दि दिमाग के अंदर जितना भी डाटा है इट शुड बी इन इंग्लिश ठीक है आइए मैं आपसे और भी मेडिटेशन uh, टेक्निक के बारे में डिस्कस करता हूं तो मेडिटेशन टेक्निक एक्चुअल में वो टेक्निक है जो आपके ब्रेन को प्रिपेयर करती है टू स्पीक सिचुएशनल इंग्लिश वेन यू टॉक विद एनी स्ट्रेंजर वेन यू टॉक विद एनी वन इन इंग्लिश वॉट कम्स इन यूर माइंड फर्स्ट आई मे बी रॉन्ग मे बी आई कॉन्ट स्पीक कॉन्फिडेंटली एज दे आर स्पीकिंग मे बी आई वॉन्ट भी एबल टू स्पीक एज कॉन्फिडेंट एज दे आर सो कहीं ना कहीं बहुत सारी मिसकन्सेप्शन दिमाग को कैप्चर कर लेती है बट विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिटेशन टेक्निक यू कैन प्रिपेयर योर ब्रेन टू स्पीक इन एनी सिचुएशन ओके इफ समबड़ी इज़ जस्ट स्पीकिंग टू यू इफ समीपल आर सेटिंग बिफोर यू एंड यू हैव टू इंट्रैक्ट विद दम यू हैव टू टॉक विद दम डायरेक्टली सो यू कैन स्पीक एट एनी सिचुएशन इफ दे आर आस्किंग एनी थिंग यू इन रिप्लाई अगॉर्डिंग द सिचुएशन सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड स्पेशली द मेडिटेशन टेक्निक हेल्प लॉट क्योंकि वो आपके ब्रेन के अंदर जितना भी डाटा है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही है अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी सर आई कैन ट्रांसलेट मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज बट सम आई फाइंड टफ सो आई एम टेलिंग यू मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सुनना आज दिमाग में इस चीज को अच्छे से फिट कर लेना एक ही सेंटेंस को दस तरीके से बोला जाता है वी हैव द वेरियस वेज टू स्पीक अ सिंगल सेंटेंस ठीक है हाँ वो बात अलग है कि आपने ठान लिया मैं यही तरीके से बोलूंगा तो वो एक अलग बात है व द डिफरेंट वेज आप खुद देख लो ना आपको वो तरीके डेवलप करना है यू हैव टू डेवलप द टेक्निक टू स्पीक अ सिंगल सेंटेंस इन वेरियस वेज कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको इस तरीके से बोलते नहीं आ रहा है जैसे आपने कहा कि आ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आ, वो क्या कर रहा है अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को आप दो तीन तरीके से क्या करें मुझे कोई आइडिया नहीं मतलब आई डोंट नो दूसरा क्या है आई डोंट हैव एनी आइडिया तीसरा क्या है आई डोंट थिंक वॉट इज डूइंग ठीक है आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन वर्ड इज डूइंग आपके पास एक ही सेंटेंस को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं मैं ये नहीं बोला वर्ड टू वर्ड बोलना है आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्पीक एग्जैक्टली एज यू हैव स्पोकन इन हिंदी बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग हियर ऑन एग्जैक्ट पैटर्न इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द थिंग्स दैट इज स्पोकन इन हिंदी इन द सेम वे इट विल बी स्पोकन इन इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी दोनों के पैटर्न अलग अलग हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के मायने अलग अलग है। दोनों हैं दोनों भाषाएं बहुत ही डिफरेंट हैं वो बात अलग है कि हमने आपको हिंदी टू इंग्लिश सिखाया है हमने आपको तरीके डेवलप करवाए लेकिन इन तरीकों का उपयोग करना है या नहीं करना है वो आपकी समझदारी पर निर्भर कर आपको एक बार कोई चीज़ आ गई अब उसके बाद आपने खुद के तरीके डेवलप करो। नो नीड टू सी इन द एग्जैक्ट वे यू कैन मेक योर ओन टेक्निक्स यू कैन मेक योर ओन पैटर्नस टू स्पीक समथिंग जैसे एक ही सेंटेंस मैंने कहा वहां जाने से कोई फायदा नहीं इसको तीन से चार तरीके से बोला जाता है एक बोला जाता है देर इज नो यूज टू गो देर इट इज नो यूज टू गो देर देर इज नो एडवांटेज टू गो देर देर इज नो बेनिफिट टू गो देर द सिंगल सेंटेंस इज बिंग स्पोकन फोर टू फाइव वेज इट मीनस इन लैंग्वेज वी हैव द वेज वेज टू स्पीक अ सिंगल सेंटेंस सो वी डू नॉट हैव टू फॉलो द ट्रेडिशनल पैटर्न कि नहीं हमको हमारे टीचर ने यही सिखाया सो वी जस्ट फॉलो विद दिस नो वी हैव द वेरियस वेज एंड वी नीड टू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स तो आप सबसे पहले तो दो चीजें आज से करना बिल्कुल स्टार्ट कर दो नंबर वन बाय क्लोजिंग योर आईज जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड सेकंड वेन यू गेट द चांस टू स्पीक इन इंग्लिश डोंट मेस इट यू नो ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ सेल्फ अलॉट ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ लॉट में ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी आप अपने को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे आपके थॉट प्रोसेस जो है आपके दिमाग के अंदर जो सेंटेंस uh, मेकिंग का प्रोसेस है वो उतना ज्यादा शार्प होगा आपने देखा होगा कि हम लोग अपने रनिंग uh, करते हैं डेली एक्सरसाइज करते हैं फिटनेस गेन करने के लिए कभी आपने मेंटल फिटनेस के बारे में सोचा कभी आपने सोचा कि मेरे ब्रेन के अंदर मैं बोलते बोलते रुक क्यों रहा हूं कभी ऐसा इस एस हमारा ध्यान जाता है वी ऑलवेज थिंक अबाउट फिजिकल फिटनेस बट वी नेवर थिंक अबाउट अवर मेंटल फिटनेस वी नेवर थिंक अबाउट ट वी हैव समूज इन स्पीकिंग ठीक है और जब नहीं बोलते आता सर कॉन्फिडेंस एक ही बहाना लेके सब बैठ जाता कुछ नहीं होता है आप अगर अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका विश्वास अपने आप पर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा जा जहां आपका विश्वास बढ़ गया ट्रस्ट बढ़ गया अपने आप पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नथिंग इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस जहां आप प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हो जहां आप ज्यादा बोल रहे हो जहां आप अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो जहां आप अपनी हंड्रेड परसेंट रखने की कोशिश कर रहे हो ऑटोमेटिक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मुझे बताइए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं बिफोर दिस आई यू नेवर रिडन अ बाइसिकल कैन यू राइड इट कॉन्फिडेंटली नो इन द बिगनिंग यू कैन नॉट बट वंस यू स्टार्ट राइडिंग इट लेटर ऑन यू आर गोइंग टू बी गुड राइडर वाई बिकॉज आपने शुरुआत कर दी है आपने बिगनिंग कर दी आपकी शुरुआत हो गई आपने साइकिल uh, चलाना शुरू कर दिया है और एक समय ऐसा आएगा कि आप हैंडल को पकड़ोगे भी नहीं बिना हैंडल को पकड़े बिना हैंडल को uh, लाइक पकड़े आप उस साइकिल को ड्राइव कर uh, राइड कर लोगे क्यों क्योंकि आपने बैलेंस बनाना सीख लिया है द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई इन स्पीकिंग टू जब आप स्पीकिंग करते हैं तो इनिशियली यू विल फॉल डाउन यू नो आप गिरोगे आप uh, गिरोगे से मेरा आशा है यू विल मेक मिस्टेक यू आर नॉट गोइंग टू साउंड गुड यू आर गोइंग टू मेक सम माइनर मिस्टेक्स वेल टॉकिंग इवन यू विल नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली these are the common mistakes that we generally face when we start speaking so iska matlab ye nahi hua that doesn't mean ki we cannot speak confidently we can sound confidently we can speak confidently we can put our things confidently we can express ourselves confidently but for that we need to have some passions aur uske sath sath hamari practice uske sath sath hamare mind ka jo mindset hai wo positive hai mai usko direct karna ye sari cheeze jab systematic tarike se ho jati hai dost result boss jandar milta hai ठीक है तो ये चीज़ को विशेष ध्यान देना है कि आप अगर रेगुलरली मेडिटेशन टेक्निक कर रहे हो ना इसका बहुत शानदार जानदार धमाकेदार रिजल्ट आपको मिलने वाला है इसके अलावा मैंने आपसे याद हो तो कुछ विशेष चीज़ों में मैंने आपसे रीडिंग करने के लिए कहा था आपको बताना चाहूंगा दोस्त एक चीज़ याद रखना आज सभी के सभी अपने दिमाग के अंदर इस चीज़ को फिट कर लेना दुनिया का कोई सा भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लो एक रीडिंग ऐसा सोर्स है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ठीक है ना रीडिंग जो है वो एक ऐसा टीचर है जो आपके साथ हमेशा रहेगा आपको सबसे पहले तो रीडिंग के पैटर्न को समझना पड़ेगा वी हैव टू टाइप्स ऑफ रीडिंग एक जो हम ऊपरी तौर पर पढ़ पाते हैं डिट्स एक्सटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग लाइक तो आप एक्सटेंसिवली किसी चीज़ को पढ़ पा रहे हो ऊपरी तौर पर उस चीज़ को पढ़ पा रहे हो लेकिन उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है और इंटेंसिवली आपने जो चीज़ उसको पढ़ी है उसका मीनिंग भी आप इंकलक्रेट कर पा रहे हो उसका मीनिंग भी आप निकाल पा रहे हो तो वो है आपका डीपली मतलब उसको पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ रहा है कि आपने टेक्स्ट को क्या पढ़ा है उसका मीनिंग क्या जाना है सो so यहां पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको दोनों रीडिंग पर आपकी कमांड हो आपने जो टेक्स्ट को पढ़ा है वो पढ़ने के बाद वो टेक्स्ट आपके दिमाग के अंदर फिट भी हो जाना चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं दे आर वेरी गुड इन एक्सटेंसिव रीडिंग दे कैन रीड एनीथिंग कॉन्फिडेंटली बट वेन इट कम्स टू ट्रांसलेट वेन इट कम्स टू स्पीक एंड एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेंट देट देव रेड एबल टू रीड इट तो हमें जो है दोनों रीडिंग अच्छी करनी है क्योंकि रीडिंग एक ऐसा सोर्स है मैं अगेन आपको कहूंगा जो आपके साथ हमेशा लाइफ टाइम रहेगा और जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रीडिंग पर फोकस करें जब भी टाइम मिले आपको आपको देखा होगा हमने हमारे बुक में नोट्स में थर्टी स्टोरीज आपको दिए थर्टी टू फोर्टी आर्टिकल्स एड किए हैं एंड वाई वी हैव गिवन यू ऑल दिस थिंग्स दर इज ओनली सिंगल रीजन दैट यू कैन इंप्रूव योर रीडिंग ताकि आप अपनी रीडिंग को इंप्रूव कर सकें बिकॉज वंस यू इंप्रूव योर रीडिंग आप ऑटोमेटिक अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करते हो और वो कॉन्फिडेंस आने से आप अच्छा बोल पाते हो आप कहोगे सर रीडिंग से कैसे स्पीकिंग होती है देखो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ बहुत सारे लोग गलत वे में रीड करते हैं रीडिंग का सही तरीका पता गया है अगर आप एक लैंग्वेज लर्नर है तो कभी भी रीडिंग को स्लोली मत कर करो ठीक है उसको बोलकर रीड करो लाउडली रीड करो लाउडली रीड करने से आपके सारे स्पीच ऑर्गन वर्क करेंगे लाउडली रीड करने से आपको वर्ड्स को बार बार बोलने के यूज टू होंगे लाउडली रीड करने से आप एक उसको एक्सप्रेस करना सीखोगे ठीक है ना तो ये एडवांटेज है थर्ड जब आप रीड करते हो ना किसी चीज़ को तो वो जो वर्ड्स है आपकी आंखों के सामने से बार बार गुजरते हैं तो वो, आप उनसे फैमिलर होते हैं आपके लिए वो नए नहीं लगते वर्ड्स ठीक है वो आपको लगेगा यार समवेर हैव रेड दिस वर्ड आई डोंट नो इट्स मीनिंग बट समवेयर आई हैव रीड इट वाली फील आपको देंगे और जब आप उस वर्ड्स के मीनिंग को डिक्शनरी में देखोगे फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप नेक्स्ट टाइम जब भी उस वर्ड को पढ़ोगे ना आपको याद आ जाएगा यार ये या वर्ड का मीनिंग ये निकल रहा है तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई वॉक्यूलरी सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ मेरा वॉक्यूलरी बहुत वीक है मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टू डेन सी द मैजिक जस्ट आफ्टर फ्यू डेज यू आर गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर अलॉन्ग एम्पल ऑफ वर्ड्स यू विल बी हैविंग अ लॉड ऑफ नॉलेज अबाउट वोक्यूबुलरी ठीक है ना और साथ में आपको एक चीज अगर ये हो अगर वॉक्यूबुलरी को बढ़ाने में नाउन एडजेक्टिव चिक और वो ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड की समझ अगर डेवलप हो जाए ना तो सारे काम हो जाए आपके जैसे आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉन्फिडेंटली क्या है मैंने आपसे कहा था कि कॉन्फिडेंटली आपका एडवर्ब है ये बना है किससे कॉन्फिडेंट से ठीक है ये नाउन क्या है कॉन्फिडेंस है तो प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा ये चीज़ें है ना अगर वॉब बनानी है तो वॉब बनती है मेक कॉन्फिडेंट बी कॉन्फिडेंट तो ये भी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड की समझ डेवलप करो जब आप सारी समझ को डेवलप करके एक सिस्टमेटिक पैटर्न में प्रैक्टिस करते हो ना देन यू स्पीक कॉन्फिडेंटली भाषा को सीखना मैं बता मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि स्टूडेंट विद इन थर्टी टू फोर्टी डेज कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सीख सकता है यस ही कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली विद इन थर्टी टू फोर्टी डेज इफ ही जस्ट अप्लाइज द राइट टेक्निक टू स्पीक इट ठीक है ना तो आज से मेहनत स्टार्ट करो टाइम वेस्ट ना करो अपना 100% परसेंट दो और रिजल्ट गेन करो क्योंकि लैंग्वेज आपके हाथ में आपके ऊपर डिपेंड करती है राइट